हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल होप यू आर गुड। तो अभी देखो, आज है छठ का मेन वाला दिन, जो सांझ भर अर्घ होता है वो। और आप सबको छठ की बहुत सारी शुभकामनाएं। और आप अभी देखो, मैं हो चुकी हूँ रेडी। और आज मैंने ये ब्लू बंधेज में नारा कट वाला ड्रेस पहना है, क्योंकि मेरे को बहुत प्रिटी लग रहा है, सुंदर भी बहुत खूबसूरत लग रहा है। और अभी देखो, मैं यहाँ हो चुकी हूँ रेडी, और अब थोड़ी देर में जाएंगे। और यहाँ पे पता है क्या, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ है आज। कल उतना नहीं था, हमने दर्शन कर लिया था। और आज सुबह हमने यहाँ पे पोखरा है उसमें नहाया जाता है, यहाँ पे नदी वैसा नहीं है, तो उसमें हम लोगों ने नहा वहा कर मस्त तैयार वैर होकर के, और मतलब कि दर्शन आप अच्छे से कर सकोगे। मंदिर में भी भीड़ रहता पर उतना नहीं था, आज मेन है तो आज ज़्यादा था, कल नहीं था। तो अभी देखते हैं आज कितना भीड़ है। मैं सुन रही हूँ कि बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा लोग जा रहे हैं। और यहाँ पे ऐसा है ना कि सेम डे लोग जाते हैं, कुछ लोग मेन वाले दिन ही दोनों अर्घ दे देते, सुबह वाला भी और शाम वाला भी। तो देखते क्या होता है, हम लोग सुबह का अर्घ सुबह ही देंगे और आज वाला अर्घ आज ही देंगे। तो बने रहिए मेरे वीडियो में, मिलते हैं आगे। तो गाइस, इधर देखो प्रसाद छनाना शुरू हो गया, इधर जो ठेकुआ इधर बन रहा है अभी, और उसके बाद ठेकुआ बनने के बाद फिर सारा सामान सजाएगा डाली में। तो अभी इधर देखो घी में तलाता है ये, और हम लोग सारा वहाँ से घर से चूल्हा वगैरह लेकर आए थे, तो हम लोग को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ। और इसके बाद इधर देखो हो चुका है, ठेकुआ बन चुका है। और अब इधर जो सारी चीज़ें हैं, मतलब जो फल होता है, ठेकुआ हो गया, जो भी सामान होगा, सब यहाँ पे एक सूप में और ये जो ढकनी है उसमें डाल करके और सजा जाएगा, ताकि फिर आसानी से हम लोग निकल सके। और इधर देखो लड्डू गोपाल का भी हो गया पूजा, और इधर फिर कचवनिया बनता है वो बन रहा था, और इधर मैंने सामान रख दिया था सारे डाली में, और सुबह जाने के लिए सामान भी रख लिया था। और इधर देखो आज का भीड़, मतलब भाई कल से देखो कितना ज़्यादा भीड़ दिख रहा है। उसके बाद अब यहाँ निकल चुके रूम से घाट जाने के लिए, और भीड़ इतना था कि मेरे को तो बहुत डर लग रहा था कि अच्छे से अर्घ दे पाएंगे या नहीं। और कुछ पापा के फ्रेंड्स लोग आ गए थे, तो देखो यहाँ पे अब चल हम निकल चुके घाट के लिए और पहुँच चुके घाट पे, क्योंकि हमारे रूम से जो पोखरा था ज़्यादा दूर नहीं था। और देखो कितना सारा भीड़ है, मतलब पैर रखने का जगह तक नहीं था, और क्योंकि ये पोखरा है नदी नहीं है तो बहुत कंजेस्टेड हो गया था, और यहाँ पे अंकल लोग नहीं होते तो हम लोग अर्घ दे नहीं पाते अच्छे से। और इधर देखो सारे बस अर्घ दे रहे हैं और निकल रहे हैं, यहाँ पे 24 घंटे अर्घ हो रहा था, मतलब सुबह शाम यहाँ पे कोई टाइम नहीं था। और अभी यहाँ पे सिंदूर वगैरह देने के बाद देखो इसी भीड़ में किसी तरीके से अर्घ हुआ, और उसके बाद अर्घ यहाँ पे, क्योंकि मतलब इतना भीड़ था कुछ दिख नहीं रहा था किधर लोग हैं, ऐसा मतलब बहुत लोग भूल रहे थे यहाँ पे, और ऐसा लग रहा था कहीं लोग बिछड़ना, क्योंकि 4-5 लोग होते तो बिछड़ने का ज़्यादा चांसेस होता है। तो यहाँ पे हो चुका था अर्घ हमारा, और ये देखो मम्मी कैसे बीच में फंसी हुई है। तो और उसके बाद आ चुके थे रूम पे, क्योंकि वहाँ पे स्पेस नहीं था जहाँ पे लोग बैठ सके, इसलिए हम लोग आ गए थे रूम पे और वहीं छत पे रखा गया। फिर हम लोग निकल चुके थे रात में घूमने के लिए, और ये देखो इधर रात का नज़ारा कुछ ऐसा था। तो इधर दो पोखरा है, एक राजा का एक रानी का, और यहाँ पे अभी सब लोग, कुछ लोग यहीं घाट पे ही स्टे कर चुके थे। और ये देखो कैसा इधर का नज़ारा है। तो और उसके बाद मैं कुछ सामान खरीदने आई थी, अब खरीद करके जा रही हूँ घर। और भाई गर्मी इतना था कि पूछो मत। और वैसे भी इतने सारे लोग के बीच में तो वैसे भी गर्मी लगता ही नहीं होते हुए भी, तो थोड़ा बाहर ना रात में घूमने में बहुत अच्छा लग रहा था, तो वही हम लोग अब जा रहे थे घर पर। तो गाइस यहाँ पर आसान शाम वाला अर्घ खत्म होता है, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।